मैं खाली हूँ। हाँ, ये आज इतना बढ़िया कमबैक किया, अब इस मोमेंटम को कैसे जारी रखेंगे प्लेऑफ बैटल के दौर में? देखो मोमेंट तो जारी रखना पड़ेगा हमने कि प्लेऑफ में जाना है, अभी 3-4 मैच तो और शायद जीतने पड़ेंगे हमें प्लेऑफ के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि अपना होम ग्राउंड भी आ रहा है, हम सारे मैच जीतते हैं और अपना जो लीग में अपना टेबल है अपना ऊपर बढ़िया करें, और कोशिश करेंगे और हम बढ़िया करें और जीतते सारे मैच। टीम में ऐसे कौन से शॉर्टकमिंग्स हैं या ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार करा जाएगा प्लेऑफ्स के लिए? देखो सुधार तो टीम गलती करती है तभी तो थोड़ा मैच लगता है, सुधार की तो हमें जरूरत है, जैसे राइट कॉर्नर है रेडर भी करते हैं कई बार, हम खुद कर देते हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं उन्हें हम वीडियो एनालाइज करते हैं और फिर हम उन पे काम करते हैं, तो उन पे काम करते हैं तो उनकी जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारते हैं मैच में अपना ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मैच जो है आपका वो यूपी योद्धा के साथ है, उनको हारने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे में जब होता है टीम जो है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आती है जब कुछ हारने का नहीं होता, कुछ खोने के लिए नहीं होता, तो क्या है कुछ स्ट्रैटेजी में हम चेंज देखेंगे या कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होगी यूपी योद्धा के लिए अगले मैच के लिए? नहीं नहीं स्ट्रैटेजी तो हमारी फुल रहेगी, हमें मैच जीतना है, अपने पूरा जो आंगा पूरा लाऊंगे, पुराना ताकत से खेलेंगे और जीतेंगे मैच। कैंप में किस तरीके की बातचीत चल रही है टीम के कॉम्बिनेशंस को लेकर? जो मेरा मोहित का कॉम्बिनेशन है जहाँ कई बार हम पे गलती हो जाती है, जो मोहित है और राहुल सेठपाल है, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ हमारी जो थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं उन पर हम पूरा पूरा काम करें और हम उसमें अच्छा खेलें और हम अच्छा करेंगे। आपको बहुत बधाई, और जैसा मैच में पिछड़ रहे थे उसके बाद आपको 50 टैकल पॉइंट भी आपके सीजन पूरे हुए हैं, तो कैसे आपने डिफेंस को कप्तान रहते हो आपने डिफेंस को संभाल रखा है और हरियाणा को कमबैक करवाया मैच में, और किस तरीके से आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? देखो प्लानिंग तो यही है, कप्तान हो गए नाते मेरा फर्ज बनता कि हम मैं रेडर को भेजूँ कि वहाँ क्या करना है, क्यों हमें ज़्यादा दिखता है कि डिफेंस वो गलती कर रहा है, थोड़ा डिफेंस को संभालने रहना रखते हैं, डिफेंस को कोई गलती ना करो, एडवांस टैकल ना करो, बस यही है कप्तानी का, तो और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो कोसा गुस्सा नहीं, वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं मैच में, और जो प्रैक्टिस है वहाँ तो बिल्कुल भी, वहाँ तो शांत रहते हैं, मैच में थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों मैच थोड़ा अंगाल लग है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये जैसे मैच देख रहे थे कि काफ़ी उतार चला वाला चल रहा था कि स्टार्टिंग से हरियाणा पीछे पीछे कोई फिर आगे बढ़ी फिर आगे पूरा मोमेंटम बढ़े, तो आपका क्या रहता है जैसे कि मैच ऊपर नीचे चलता रहता है, आपका सोच में क्या चलता है? देखो टीम पीछे रहती है तो थोड़ा हाँ सोच में तो ऐसा रहता कि मैच कमबैक करना, हमें हमारी जो प्लानिंग थी शुरू में हम अवॉइड कर रहे थे रेडर को, तो हमारी गलती थी, हमें आप टाइम बाद उनमें सुधार किया भाई अवॉइड मत करो रेडर को और उन पर ट्राई करो जितना हो सके, तो हमने किया और हमने कमबैक भी किया। जैसे कि आप दिल्ली में खेल रहे थे जैसे ऑलमोस्ट घर वाला ही माहौल मिल रहा था, तो उसके बारे में दिल्ली क्राउड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो दिल्ली ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे तो पड़ोसी हरियाणा के, और काफ़ी जो हमें उम्मीद थी और उतना सपोर्ट भी किया, और दिल्ली का हमका धन्यवाद भी कहते हैं। जैनी पिछले कुछ मैचों में आपके साथ देखा गया था, आप पहले 30 मिनट में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे लेकिन आखिरी 5-10 मिनट में एडवांस टैकल में काफ़ी पॉइंट्स दे रहे थे, लेकिन आज का मैच काफ़ी क्लोज था लेकिन जो डिफेंस ने संयम दिखाया और पॉइंट्स नहीं दे गुजरात को, तो उसमें आपने पर्सनली अपने गेम में क्या बदलाव किया है? देखो हम भी देख जो हमारा वीडियो एनालिस्ट है वो बताता है कि भाई तुम शुरू में अच्छा कर रहे हो बाद में अच्छा नहीं कर रहे, थोड़ा एडवांस टैकल करते हो, तो उसमें मैंने सोचा कि भाई एडवांस नहीं करना और टीम की जिम्मेवारी लेके मैंने अपना खेल खेला और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल भी रहा और हम मैच जीत गए। होम लैग को लेकर तो कुछ नहीं, हमें सभी मैच जीतने पड़ेंगे, होम लैग का तो वहीं भी प्रेशर तो एक बिना नहीं, वो भी अच्छा कर रहा है, पिछले दो मैच देखोगे बाहुबली कितना अच्छा कर रहा था, शिवम पठारी भी कितना अच्छा कर रहा है, ये तो मैच चलता रहता, कभी बिना अच्छा कर रहा है तो कभी देसाई है तो कभी पठारी है, तो मैच की सिचुएशन के हिसाब से हम रेडर को चलाते हैं कि डिफेंस अगला किसा, तो उसी प्रकार से हम खेलते हैं। यदि मुबारक हो, बहुत बढ़िया कमबैक रहा होगा, जैसे इन्होंने कहा कि रेडिंग डिपार्टमेंट में कभी विनय अच्छा कर रहे हैं सिद्धार्थ अच्छा कर रहे हैं, बट आपका डिफेंस हर मुकाबले में बहुत अच्छा है, कह सकते हैं कि हरियाणा सीलर्स ज़्यादातर अपने डिफेंस पर डिपेंडेंट है? देखो डिफेंस पे डिपेंड तो है थोड़ा ज़्यादा, पर हमारे रेडर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तभी हम मैच जीत रहे हैं, अगर 4-5 में जो नंबर हैं 2-3 में सुपर टैकल नहीं
खाएंगे या हमें 4-5 नंबर देंगे तो तभी तो हम उनको दो ना दे पाएंगे, तो रेडर की भूमिका ज़्यादा है। तो डिफेंस तो वैसे रोक सकता है कि हम यहाँ से नंबर ना दें, तो बाकी काम तो रेडर ही करता है, वो अपना काम कर भी रहे हैं। अगर मैं फजल की बात करूं, शुरुआत में काफी टैकल पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे, पर उसके बाद उसको उनको ऑफ कोर्ट रखने में भी आप लोग कामयाब रहे। फजल की कुछ बातचीत हुई थी कि वो डिले में नजर आ रहे थे आज। बिल्कुल, हमें पता था फजल थोड़ा एडवांस है, जब उसी कैच हो जाती है तो थोड़ा एडवांस करते हैं। तो विनय से मैंने बोला कि भाई इसके पास जाना नहीं है, बस जूठी ट्राई करनी है, ये आप नंबर देगा आपको। तो विनय ने ऐसे किया, नंबर ले आया भी विनय, काफी अच्छे भाई, इतने बुझ जा रहे मेरे यार। So, Fazal, hard luck today. Where do you think went wrong? Like, you were leading at a point. Where do you think went wrong in the last few minutes of the game? Which this? I talk. I think tonight our defense played very well. It was the problem that our player, our raider, they played for themselves. I think if our raider, they were little success second half, especially second half. They, in the first half, they played well. In the second half, we were little unlucky. And our plan was like in the do or die situation, they are going trying for bonus. It was like if our raider in do or die situation, they took a bonus and also they went out. Again, after all, it match was the draw. But sometimes it's happened, and nothing more. Coach, after क्या इस तरह है? क्या हरियाणा lead कर रही थी, पहले गुजरात lead कर रही थी, उसके बाद आखिरी के few minutes में पूरी game change हो गई। तो जब हरियाणा lead में है, तो आपकी क्या strategy थी उसमें? नहीं, हमारी तो जो strategy हमने बनाई थी match की, जो start हुआ match, बहुत बेस्ट तरीके से मैच चला और डिफेंस ऑफेंस दोनों अपना बेस्ट काम किया। लेकिन हाफ टाइम के बाद स्ट्रेटेजी सेम थी और हमने ये बोला कि हम लो एंड डाई पे खेलेंगे और डिफेंस हमें ऐसे ही एग्रेसिव खेलना, क्योंकि उनको ट्राई करना है। 11-12 पॉइंट की लीड थी, कम नहीं होती, तो वो आएंगे, उनको रिक्वायरमेंट है। लेकिन डिफेंस में भी एक दो मिस्टेक हुई, उसके बाद रेडिंग में फिर जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे जब हम लो एंड डाई पे या एक दो एडवांस टैकल उन्होंने किया, जो रेडर को हमने प्लान बनाया था कि आपको जब डू एंड डाई है और आप डिसाइड कर रहे हो तो आप बोनस की ट्राई करो, वहाँ मिस्टेक रहा रेडिंग की तरफ से। अदरवाइज बोनस भी वो लेते तो भी हमारे हाथ में गेम था। और फिर दो टर्निंग पॉइंट मैं ऐसा मानता हूँ, एक दीपक ने थोड़ा एडवांस टैकल किया जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, और फिर एक नवी से थोड़ा टच हो गया वहाँ पे, क्योंकि हमारा डिफेंस सेट था, प्लेयर खेल रहे थे तो वहाँ टूटता नहीं। अगर डू एंड डाई पे वो कैच हो जाती, 4 पॉइंट की लीड थी तो 6 हो जाते, एक कैच होती फिर हम 3 रहते, तो हम सुपर टैकल करके हमें उसका बेनिफिट मिलता, तो वहाँ पे मिस्टेक हुआ। सर, पिछले कुछ मैचों में जो टीम के रेडर्स का परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन जा रहा है, और टीम लगातार उसके कारण हार रही, चाहे वो पिछला मैच पटना के खिलाफ था, लगातार टीम रेडर सुपर टैकल होते हुए टीम हार गई। पुणे के बीच मौका था कि कम से कम एक पॉइंट आप ले सकते थे, पर लास्ट में भी रेडर्स की वजह से वो पॉइंट नहीं आया। आज के मैच में भी उम्मीद थी रेडर्स से सेकंड हाफ में, जब डिफेंस थोड़ा वीक पड़ा, पर आज भी रेडर्स कमजोरी पड़े। आपने लगभग सबको ट्राई कर लिया है, प्रतीक, राकेश, नितिन, रोहित, बट क्या लगता है क्या बचा है कि रेडर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे? बचा तो पूरा है, अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 5 मैच बचे हैं और हमने 3 विन करने हैं, कोई क्वालिफाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम जो स्टार्ट हमारा हुआ था, वो राकेश हो, प्रतीक हो, सोनू हो, रेडिंग का अपना अच्छा था, और फिर कुछ मैचेस के बाद राकेश को इंजरी हुई, और फिर सोनू को जो खेलना चाहिए था या प्रतीक भी जो नहीं मैच खेल पाए, तो जो वीकनेस हमने दूर करने की कोशिश की हाफ टाइम से पहले, प्रतीक ने अपना ठीक काम किया, लेकिन हाफ टाइम के बाद जो हमारी रेडरों से रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट मैच में प्लान बनाएंगे और उसको कामयाब करने का प्रयास करेंगे। सर, थोड़ा परफॉर्मेंस जीत हार ऐसे चल रही है गुजरात की, प्लेऑफ नज़दीक है, मौका अच्छा है, बट प्लेऑफ में आगे जाने के लिए भी निरंतरता लानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आने वाले मैचों में? देखो, सारी स्ट्रेटेजी तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जो जो आज रेडिंग की तरफ से वीकनेस रही है और डिफेंस में एक दो हाफ टाइम के बाद
एडवांस टैकल हुआ जहां हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम उसको एडवांस जाके टैकल करें, जब हम चार पाँच में तो अपोनेंट जो टीम है उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है अपोनेंट टीम को, जैसे दीपक ने एक एडवांस कर दिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि पाँच हैं, रिक्वायरमेंट उनको है, बोनस है नहीं, और एक जैसे नवीज हो गए, अदरवाइज गेम बाकी गेम्स बेस्ट चला, कोई डाउट नहीं, बाकी डिफेंस ने अपना बेस्ट किया, वो उस सिचुएशन में गलतियां नहीं करनी, उस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट अपोनेंट टीम को है, वो अंदर आएगा तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, जब वो अटैक कर रहा है तो उसको रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, जब चार और पाँच है डिफेंस, रिक्वायरमेंट दूसरी टीम को है, अगर हम उसको जाके एडवांस टैकल करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा नेचुरल, अगर जब वो अटैक करेगा तो उसको रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, वो दो मिस्टेक हमारे से हुई, और रेडिंग में जहाँ हमें एक बोनस वोनस भी लेते प्लेयर तो भी हमें गेम हमारे हाथ में आ जाता, तो वो जो वीकनेस, आज देखो हर मैच के बाद स्ट्रेटेजी चेंज होती है, हर टीम से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, सामने वाली जो रेडर है डिफेंस है उसी के हिसाब से प्लान होती है, जो आज वीकनेस रही उसको नेक्स्ट मैच में प्रयास करेंगे कि वो नेक्स्ट मैच में ना हो और मैच विन हो। You know, with younger stars, sometimes this is very good and sometimes it's very difficult. For example, if you have an experienced player, you don't need all the time talk with them and tell them this is a plan, this is a plan, this situation like this. But with younger star, when they are listening to you, that is going very well. So, team playing so well. But sometimes younger star, they are in the some stress, maybe some tension, match is equal. So, I think they will be in the tension. So that is the sometimes problem for me. When they are not listen and they're playing for themselves, so it will be difficult for you. But it is for everybody happen. For this is normal. The last question to you, Captain. Like you have been to India, from your coming to India from so many years. So what's the similarity and difference you find in the culture of the Iran and India in the terms of poverty? About kabaddi? Yeah, because you know, for example, how is the soccer in the Brazil and in the India? In the Brazil, maybe 2 million soccer players, maybe in India, 5,000. Only example. This is different than Iran and India. In the India, you can maybe find 2-3 million players. So from 2-3 million players, you can find there like 1,000 top player. But in Iran, maybe we have a 2,000 player, 3,000 player. So that is a difference from 2,000 players, total 2,000 in the full Iran. So it is a difficult to you find a, like a 50 player, good player. But here in the every city, every village, you can find a star player. And I see this and I saw a lot of village, a lot of city, they have a top players. And that is a different. Here you have a more option. ये तो मैंने पहले बोला, जो स्ट्रेटेजी होगी तो नहीं हम शेयर कर सकते, लेकिन मैच विन करना है और उसी के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमारा मैच उनसे हुआ था तो हम मैच विन किया था, और आज जो गलतियाँ की अच्छा खेल के नेक्स्ट मैच में ऐसा गलती ना हो उसी पर काम करेंगे, और क्योंकि जो आने वाले मैचेस हैं पांच मैचेस, उसमें से तीन मैच हमें जीतने हैं, जिसमें से हम तीन से चार जो टीम हैं उनसे मैच हमने विन किया है, वो तमिल सलाइवा हो, बंगाल हो, बेंगलोर बुल्स हो, यूपी होता हो, तो चारों से जीते हैं, तो उस स्ट्रेटेजी से हम खेलेंगे, और अगर हमारा डिफेंस आज जैसा खेला और रेडिंग में जो वीकनेस है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो नेचुरल मैच विन करेंगे। Hard luck. You started off really well today, but in the second half, they did manage to keep you off the court for almost more than 5 minutes, Haryana Steelers. But whenever you got on the court, you tried, there is this pressure on the opposition that Fazal is on the court. You coach pointed out 2 points as the turning point of the game. Do you think keeping you off the court was one of the turning points? Yes, of course. Like this is a plan of. This is a plan of every team. Like
For example, I am making plan that Shivam is good rider. So go for Tashim. And when Shivam is there out, don't play, for example only, don't play like a advance. Keep him more out. With every good player, we are doing this. Like when, for example, their right cover played well. When he's out, I am trying to put him more time out. So for our rider will be good. So I think their plan was like this. So because two times I was out and they said two times our team was all out. So maybe it was the strategy. Every team using this. Also, we are using this. The next game is against Tamil Kalyan. They have won 4 games out of 5 in the last 5 years. And they're looking like a well-oiled machine team. The readers are working, the defense is working nicely. Yeah. Are you challenged for you? I don't care that how they are playing. That every team, if national team India also coming here, they played all-star also. This is depends on how we play. Okay, our team should play like a plan. Like tonight our plan was so well. Like our coach said this. We are listen, we are playing good. We are not listen, so if we play good, it's no matter that who is the opposite of. This is a Tamil, this is a Jaipur, this is a Pune. This is important that how we play. And this match is the finish. And I think next match also, if our Raider play well, we can beat Tamil. Of course, Tamil is good. I don't want to say that Tamil is not good, but team. But I'm saying that it is important that we play good. Only this. Thanks, coach. Okay. Thank you, everyone.